हम शुरू करने लगे इंडिकेटर्स ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, उससे पहले हम शुरू आपको इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बता देती हूँ। वॉट इज इनकम इनइक्वालिटी? इनकम इनइक्वालिटी इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम households or individuals. Income inequality is often presented as the percentage of income to a percentage of population. इसका मतलब ये है basically के जैसे कि फॉर एग्जांपल 20% पॉपुलेशन को जीडीपी का कितनी परसेंट इनकम जो है वो मिल रही है। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो इनइक्वालिटी आती है। ठीक है, अच्छा, इसके दो मेजर्स लेके चलेंगे। पहले लॉरेंस कर्व से शुरू करेंगे, ठीक है, फिर आगे जीनी कोफिशिएंट पे चलेंगे। तो लॉरेंस कर्व जो है वो रिलेशनशिप शो करता है एक कंट्री का बिटवीन द परसेंटेज पॉपुलेशन एंड परसेंटेज ऑफ इनकम। ठीक है, मैं इसका पहले मैं यहाँ पे जो है आपको ग्राफ बना के दिखा देती हूँ। है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और यहाँ पे आ गया परसेंटेज ऑफ इनकम। ठीक है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों एक्सेस को ज्वाइन कर रही है, दिस इज नोन एज द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ। परफेक्ट इक्वलिटी, ठीक है, वेयर एज अब एक आपको मैं लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी भी बतानी हूँ। ठीक है, ये जो है ये और ये जो तरीकेकार है ना दोनों एक्सेस को ज्वाइन करने का, ये ब्लू लाइन से जो मैंने ज्वाइन कर दी इस एक्सेस से, ये क्या है लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर ना तो परफेक्ट इक्वालिटी होती है ना ही परफेक्ट इनइक्वालिटी होती है, तो जो भी लाइन होगी उसकी वो बिटवीन दिस होगी, जितनी परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन से क्लोज उतनी ज़्यादा इक्वालिटी होगी, जितनी इससे ज़्यादा नज़दीक इनइक्वालिटी उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, तो ये ठीक है, इसे तो देख के अंदाज़ा हो रहा था कि एक कंट्री का क्या है। फॉर एग्जांपल एक कंट्री आपके पास है
तो जो ब्लैक से बनाई है इसके अंदर रिलेटिवली इनइक्वालिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कंट्री ऑफ विद द ब्लू लाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ब्लैक वाली लाइन है ये इनइक्वालिटी की लाइन से ज़्यादा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू द ब्लू लाइन जो कि परफेक्ट इक्वालिटी के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, उसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आप सुन के लिए। तो ब्लैक लाइन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लैक लाइन कर देती हूँ कंट्री ए का है और जो ब्लू लाइन मैं बॉल पॉइंट से बना रही थी ये कंट्री बी का है। ठीक है, थोड़ा लिखने में जो है कमेंट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ कि दैट इन दिस केस गला मेरा अल्लाह अल्लाह करके ठीक हुआ है, मेरी कोशिश ये है कि फिर ख़राब ना हो जाए। तो इन दिस केस कंट्री ए यानी के ब्लैक वन, ठीक है, कंट्री ए इज हैविंग मोर इनइक्वालिटी देन इन कंट्री बी। अभी इनइक्वालिटी के सेंस में बात की है तो इनइक्वालिटी लिखी है। ठीक है, अगर इसको इक्वालिटी के सेंस में लिखना होगा तो इन दिस केस कंट्री ए इज़ हैविंग, जितना इनइक्वालिटी ज़्यादा इक्वालिटी उतनी कम, ठीक है, तो इज़ हैविंग लेस इक्वालिटी देन इन कंट्री बी। ठीक है, अब लॉरेंस कर्व के अंदर एक बहुत बड़ी क्या खराबी है, ठीक है, जो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम जो है मुझे आपको पहले ग्राफ बना के ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रॉब्लम ऑफ लॉरेंस कर्व। ठीक है, तो लॉरेंस कर्व की प्रॉब्लम मेरी पेन मोटर वाला पेंसिल का भी है। ये मैंने जे बॉक्स पर, ठीक है, ये थी लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, ये ड्रॉ होनी ज़रूरी है, परफेक्ट इक्वालिटी का हमें मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज़ का हमने लॉरेंस का जो है प्लॉट किया है इसके ऊपर, ठीक है, और हमने उससे जो है ये मालूम किया कि मालूम ये करना था कि कौन से इकोनॉमी के अंदर जो है वो इनइक्वालिटी ज़्यादा थी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये कंट्री ए, ठीक है, अब कंट्री बी जो है ब्लैक से बना देते हो, ठीक है, कंट्री बी जो है यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक मिनट में फिर बना देती हूँ, छोटे से कर्व आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, एक ये है, दूसरा जो है वो यहाँ पीछे से निकल रहा है और उसको यहाँ से इंटरसेक्ट करके यहाँ पे आ रहा है। तो फिर आप क्या कहेंगे कि कौन सा कर्व जो है वो ज़्यादा यानी कि कौन सी इकोनॉमी के अंदर बन नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये भी परफेक्ट बनेगा, यस, ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन का एक पॉइंट आ रहा है इससे मैं पता नहीं चल सकता कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा है, यानी कि एक हद तक तो
एक कंट्री का ज़्यादा है, दूसरे हद में जो है दूसरी कंट्री जो है वो इक्वलिटी के ज़्यादा है। तो ऐसी सिनेरियो में ये होता है, जैसे यहाँ पे चलो ये इंटरसेक्शन वाला बना है ना, चलो इसी को देख रहे हैं, ठीक है। तो इस हद तक तो इस कंट्री में इनइक्वालिटी ज़्यादा, उस हद के बाद जो है वो दूसरी के अंदर इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी। तो इससे हम मेजरमेंट तो नहीं कर सकते ना, तो इससे खराबी की वजह से जीनी कोफिशिएंट आया था, ठीक है। जीनी कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। जीनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला ये था, जी से डोनेट होता था, ए इक्वल्स टू ए प्लस, यानी कि था वो लॉरेंस कर्व की एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो ये कैसे मालूम होगा कौन सा एरिया कौन सा है, तो ये मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे शो कर देती हूँ। ये तो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, और ये मैंने एक लॉरेंस कर्व बनाया एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो लॉरेंस कर्व और लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के दरमियान का जो गैप है वो ए है, और जो लॉरेंस कर्व और परफेक्ट इनइक्वालिटी का जो गैप होगा वो बी है। ये एरियाज मालूम करके आपने प्लॉट करके यहाँ पे निकाल लेना, ठीक। इसका जो रेंज होती है वो हमेशा करती है इसके दरमियान, ठीक है। जितना ज़ीरो के नज़दीक उतनी लेस इनइक्वालिटी, ठीक है। जितने वन के नज़दीक उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी, करते हुए ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कन्फ्यूजन होगी तो आप जरूर कंफर्म कर लेंगे।